आई हैव बीन इन्वाइटेड इन आई आई टी रोपार. दिस इज आई आई टी कैंपस. इनॉग्रेशन होने वाला है. Myself Vishal Singh. I have been graduated in 2016 from a BTech college, and since 10 years I am doing art. If I'll ask you a very simple question, how many of you say that they can draw? So, अच्छा लगा. हाँ, overall. लाइक जैसे कि आपने कहा ना सर, कर्व्स होने चाहिए. क्या अगर हम स्ट्रेट पाथ में चलते रहते, आप ड्राइंग सिखाते रहते बस, राइट, तो बोर हो जाते थोड़ा सा. बट आपने बीच बीच में इंटरेस्ट जैसे थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट. डिग्री इसके लिए आप कर सकते हो जे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स. बट रैदर देन दैट मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर लेते हो, देन यू कैन गेट जॉब एनी वेयर इन पिक्सार, डिज्नी, any company, good package, more than year, 50-60 lakh, 80 lakh. पैकेज तो कभी दिमाग में नहीं होना चाहिए. पैकेज नहीं. हाँ, पैकेज अगर आपने दिमाग में रखा तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे. नहीं, अपने करियर पे, पैशन पे कभी नहीं. मेरी भी जर्नी कुछ ऐसे ही रही थी. मैंने कमीशन वर्क जब स्टार्ट किया था, दैट टाइम कमीशन वर्क वॉज नॉट फेमस इन इंडिया, और कुछ कोई लोग टर्म भी नहीं जानते थे. धीरे धीरे पॉपुलर हुआ है, धीरे धीरे लोगों को पता चला. थैंक यू गाइस. ओके सर, फर्स्ट वन अच्छा लगा. फर्स्ट वन हैविंग यू. हाँ, 5 बज चुके हैं और मुझे अभी जजमेंट के लिए जाना है. लाइव स्केचिंग वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पे लाइव स्केचिंग देखने में बहुत मज़ा आएगा. क्या क्या बनाया है मुझे नहीं पता. तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाइव स्केचिंग इवेंट के लिए. ड्राइंग कंप्लीट हो गई सबकी? हाँ, सबकी कंप्लीट हो गई सर. अरे वाह, क्या बात है. आज केमिस्ट्री ब्लॉक में जाएंगे सर. केमिस्ट्री ब्लॉक. हाँ. आपका नाम क्या है? विकल्प. विकल्प, ऑप्शन, ऑप्शन, अल्टरनेट. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दीजिए. हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर. अरे क्या बात है. तुम्हारा? यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो क्या अप्रोच क्या रखना चाहिए? अप्रोच तो बस सेल्फ स्टडी पे मेन फोकस करा था मैंने, और रोज का अपना काम कंप्लीट करता रहा. मतलब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह के चक्कर? इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन करा था, पर वही डाउट्स वगैरह उनसे क्लियर करता था, और जो डाउट्स वगैरह क्लियर करता और टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो करता था उनकी. सो गाइस देख लो, अगर आप लोगों को भी क्लियर करना है तो यही अप्रोच रखो, ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, राइट? और इंस्टीट्यूट तो बस गाइडेंस के लिए है. हमेशा करना है, जैसे आप ड्राइंग भी कर रहे हो तो भी आपको जहाँ भी लाइट लग रहा है वहाँ हल्का सा वापस से जाके हल्का सा डार्क कर सकते हो. ये एप्पल में भी होना चाहिए था, 100% कहीं ना कहीं रहेगा वो. ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड में आएगा, यहाँ से कुछ लाइट तो बाउंस बैक करेगी इसके सरफेस पर, और यहाँ पर हल्का सा डार्क रहेगा क्योंकि ये लाइट से अवे हैं. तो कभी भी कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो उसमें लाइट का डायरेक्शन ड्रॉ कर लो. यहाँ पर अगर लाइट का डायरेक्शन ये था तो आपको वो ड्रॉ दिमाग में रखना है कि आगे से. okay. उसके अकॉर्डिंग आप बेटर जज कर पाओ. लाइट से दूर फेस कर रहा है, लाइन हमेशा मोटी रहे. अगर मैंने यहाँ भी मोटी बना दी तो इसको मैं थोड़ा और मोटा कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे जैसे ये रफ सरफेस है. हाँ. ये उसमें आपको क्रीजेस ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे भी कहीं कहीं लाइट आ रही है तो वहाँ से हल्का हल्का आप इरेजर से मार के उठा सकते हो ग्रेफाइट को. मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसे करेक्ट करने का आपके पास पहले से स्टेप होना चाहिए. ओके, मजा आया? आई होप मैंने बोर नहीं किया होगा. अभी इवेंट ओवर हो चुका है, सब लोग साथ में जाएंगे, अभी कैंपस टूर करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मैं अपने गेस्ट हाउस पे चले जाऊँगा. वर्कशॉप में प्रैक्टिकल्स होते हैं? हाँ सर, प्रैक्टिकल्स होते हैं, और जैसे मैकेनिकल वर्कशॉप है तो उसमें सारी मशीन्स रखी हुई हैं, लेथ मशीन और वेल्डिंग मशीन, वो सारी रख, जो उनके कोर्सेज होते हैं उनमें सबको बच्चों से कराई जाती है वो सब. आपका क्या अप्रोच था आईटी क्रैक करने का? आईटी क्रैक करना इजी नहीं होता गाइस. मुझे आईटी बारे में पता चला तो मैंने इसकी कोचिंग की थी कोटा में. ओके. 2 साल बाद, 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, उसके बाद मैंने आया था. हाँ. तो आपने काफ़ी स्ट्रगल किया निकालने के लिए. हाँ. और आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था.
मेरे जो सिटी है उसकी उसकी बेस्ट कोचिंग मेरे घर वालों ने मेरे को ज्वाइन करवाई थी। आई क्रैक्ड इट इन 2 इयर्स ओनली। काफी ज्यादा स्टूडियस हो आप मतलब। फॉर दैट एट पर्टिकुलर पीस ऑफ टाइम आई स्टडीड हाउ। तो ये फूड स्टॉल हमेशा लगे रहते हैं या सिर्फ अभी 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 के लिए आए हैं? तो अगर कोई क्रैक करना चाहता है एग्जाम उसके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है ना। लोग अक्सर शॉर्टकट ढूंढने में टाइम वेस्ट करते हैं। और कोई इंस्टीट्यूट आपको क्लियर नहीं करवा सकता? कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। मैंने तो आईआईटी अपीयर भी नहीं किया था, मुझे पता था मेरा क्लियर नहीं होगा बिकॉज आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स आर्ट। और मैंने AKTU में दिया तो मेरी 32,000 रैंक आई थी। उसके बाद मम्मी पापा ने थोड़ा प्रेशर करना शुरू कर दिया कि चले जाओ कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से ही कर लो। तो ज़बरदस्ती मुझे करना पड़ा, मैं करना नहीं चाहता था। बट मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो पेरेंट्स भी अपनी तरफ से अच्छा सोच के ही बोलते हैं, राइट? वो आपका फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं। और आर्ट में किसी को भी नहीं पता होता है कितना प्रॉस्पेक्ट है, जबकि प्रॉस्पेक्ट बहुत है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी आप लोगों ने इस पर कलर वो कर दिया ना? हाँ सर, वो लाइटिंग लाइटिंग मेटल का। काफ़ी सुंदर लग रहा है। हेलिक्स है ये, डीएनए एलेक्स। अगर मैं बोलूं एकेडमिक्स और आर्ट को, आप कितना कितना दोगे अपनी लाइफ? आई विल से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री, अभी आई विल गिव होल 100% टू माय एकेडमिक्स एंड आफ्टर दैट आई विल गिव माय टाइम टू आर्ट, लाइक अराउंड 40% आई एम थिंकिंग। या सो गाइस, अभी अनमोल और देवांदिता बहुत ज्यादा पैशनेट है लोग ड्राइंग को लेकर। सो ये लोग स्केचेस देखना चाहते थे तो इसलिए मैं लेके आ गया। वाटर कलर्स? यस, दिस वन इज वाटर कलर। पेंटिंग आल्सो रियली नाइस। बहुत सारी पेंटिंग्स तो मैं लाए ही नहीं, बहुत सारी थी, बट वाटर कलर में मैं जब स्टार्ट किया था तब की है। ये स्केचिंग ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा स्मूथ लग रही है, ये कैसे होती है? ये चारकोल पाउडर है। सो गाइस, दिस वाज द टीम फॉर ऑर्गेनाइज्ड और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पूरा इवेंट, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने। अपने लिए क्लैप करो कम से कम। आप लोगों को अच्छा लगा? मजा आया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा।